हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से मैं प्रेगनेंसी टॉपिक से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, जिस पे मुझे कमेंट आया तो मुझे लगा कि मुझे अपलोड करना चाहिए। मैं आ गई हूँ एक प्रेगनेंसी का एक टॉपिक लेकर, जो बहुत ही ज़रूरी है। किसी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ और मुझे बनाना था लेकिन नहीं बना पाई। चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते वीडियो को, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें हमारे पीरियड मिस होने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेगनेंसी ठहरा है या नहीं ठहरा है, हम प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ सिम्टम्स बताऊँगी जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो अगर सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला सिम्टम्स बताती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी होती है, जो लेडीज़ प्रेगनेंट होती हैं, वो जो पल होता है ना, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही सुखद पल होता है, बहुत ही खुश। मतलब जब ये सुनने के लिए सभी पूरी फैमिली हमारी जो है वेट करती है कि कब गुड न्यूज़ दे, जिसको गुड न्यूज़ बोलते हैं, है ना। तो ये वो सब पल, जो भी लेडीज़ हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप ये पल कभी मिस मत करना, इंजॉय करना और अच्छे से उसको जो है ध्यान रखना, ठीक है। तो जो पहला हमारा सिम्टम्स है वो है, सबसे पहले तो आपका जो जिसको एकदम कॉमन सा सिम्टम्स है वो सभी को पता होता है, पीरियड मिस होना। जी हाँ, पीरियड मिस हो जाता है हमारा जब अगर प्रेगनेंसी ठहरता है तो। हालांकि कभी कभी हार्मोन्स चेंज होने की वजह से भी पीरियड मिस होते हैं, मींस क्या, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रेग्नेंट ही हो। इसीलिए बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो फॉलो करने पे या हमें मालूम चलने पे हम कंफर्म कर पाते हैं कि नहीं, हम प्रेग्नेंट ही हैं। जिसमें से एक पहला तो मैंने बोला पीरियड मिस हो जाना, और दूसरा जो है सिम्टम्स है वो है वीकनेस आना, कमजोरी आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपको लगता है आपका पीरियड आने नहीं आया, मिस हो गया, और आपको जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तब बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा वीकनेस आ रहा था कि सुबह में आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह 9 बजे उठती थी, 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में उठती थी, एकदम उठने की मॉर्निंग में इच्छा ही नहीं होती थी। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होता है, किसी को इवनिंग सिकनेस होता है, मतलब किसी को मॉर्निंग में वीकनेस होती है, मतलब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ बस ऐसे ही बैठे, बस ऐसा लगता है कि बैठी रहूँ, कुछ नहीं करूँ, ठीक है। तो ये हो गया वीकनेस, ठीक है। और जो तीसरा सिम्टम्स होता है उल्टी आना। जी हाँ, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका जो एक ये भी सिम्टम्स है उल्टी आना, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी खाएं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गले तक आ गया है, वो कुछ पचता ही नहीं है, मतलब वोमिट हो जाता है। इवन जब हम ब्रश करते हैं तो भी वोमिट होता है। मेरे साथ तो स्टार्टिंग के 3 महीने ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम जो है नज़र आती है तो आप कंफर्म हो सकते हो, ठीक है। और जो जो चौथा है सिम्टम्स है वो है गैस बनना। जी हाँ, मैंने अभी आपको बोला वोमिट आना, ठीक है। तो गैस बन जब प्रेगनेंसी जब ठहर जाती है तो गैस बहुत ज़्यादा बनता है, हम लोगों को कुछ भी खाते हैं तो हमें पचता नहीं है, गैस की वजह से हमें वोमिट भी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गैस बनने की वजह से, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम्स है। और जो पांचवा है वो है मन का बदलाव, मूड चेंज होता रहता है हमेशा, दिन भर में हमसे कितनी बार मूड चेंज होता है, कुछ भी, मतलब अभी क्या कौन सा मूड था, या इनफैक्ट खाने में भी, हर चीज़ खाने पीने को हो चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा हमारा मूड ही चेंज होता है। हम लोग कुछ भी अभी कुछ और कह रहे हैं, अभी कुछ और खाने के लिए बोल रहे हैं, और अभी कुछ और, ठीक है। तो ये मूड चेंज भी बदलाव नज़र आएंगे आपको, ऐसा लगेगा कि क्या है, अभी आपकी फैमिली वाले आपसे बोलेंगे अभी तो कुछ और कह रही थी और अभी कुछ और कह रही हो, है ना। तो ये भी है जो मूड चेंज होने का, ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है। और जो छठा है सिम्टम्स वो है सिर दर्द। आपका सिर भी भारी भारी सा लगेगा, मतलब ये जो दौर है, ये जो टाइम है आपका, उस टाइम ये सारे प्रॉब्लम आएंगे। उससे आप नोटिस तभी आप कर पाएंगे जब आप पिछले अपना जो है कुछ एक हफ्ते पिछले में जाओगे, आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकाएक ऐसी प्रॉब्लम की होने लग गई, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सिर दर्द भी होगा, हल्का हल्का सिर में दर्द रहेगा, ऐसा फीवर सा लगेगा, फीवर भी, हाँ
फीवर भी आएगा आपको, ठीक है। मैक्सिमम 99% लेडीजों को फीवर भी आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। फीवर आएगा, सिर दर्द होना, मूड चेंज होना, ये सब चीज़ें लक्षण जो हैं आपके प्रेगनेंसी के ही हैं, ठीक है। तो मैंने छठा बताया सिर दर्द होना, और सातवां हल्का हल्का पेट में भी दर्द होगा आपके, ऐसा लगेगा कि पेट भारी भारी सा हो रहा है। अब वो पेट दर्द कोई किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला गैस बन जाता है, ठीक है ना, गैस बन जाने की वजह से, या फिर ऐसे ही नॉर्मली कभी जब प्लेसेंटा जो जो हार्मोन्स बदलाव होते हैं, जब बच्चा जो एग है वो फिक्स होता है ना, बच्चा जब बनता है तो उसमें पेट दर्द हार्मोन्स चेंज होता है, तो पेट दर्द होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया सातवां आपका पेट दर्द, और आठवां हो गया हमारा वो है, कभी कभी किसी किसी लेडीज को जो है प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी पीरियड आते हैं, शुरू में पीरियड आते हैं, आपको भी हो सकता है, एक दो बूंद जैसे स्पॉट टाइप का हल्का सा एकदम हल्का पानी जैसा हो, ऐसा भी हो, पानी ऐसा हो या वाइट हो या रेड हो, हल्का फुल्का आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं फिर भी मतलब पीरियड जैसा एक दो स्पॉट आया है तो आप तो भी आप चेक करें जरूर, ठीक है। और ये तो हो गया आठवां, हल्का फुल्का स्पॉटिंग आना मतलब पीरियड्स आना, ठीक है। और जो नौवां है वो किसी किसी लेडीज में देखा गया है कि उसको उस टाइम जो है उस दौरान अजीब अजीब सपने आते हैं, हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है फिर भी ये भी एक सिम्टम्स ही मान के चलो आप, क्योंकि आपके हार्मोन्स की वजह से ही होता है। उस टाइम अजीब अजीब सपने आएंगे, मतलब बिना किसी काम के, कोई जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा ऐसा सपना अजीब अजीब ही सपना आएगा, आपको खुद फील होगा कि क्या सपना आ रहा है मुझे, ठीक है। तो वो सपने भी एक है, सिम्टम्स ही हैं, ठीक है। और जो दसवां है वो है आपका ब्रेस्ट पेन होना, आपका जो छाती है वो हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और दर्द होगा, ऐसे दर्द फील नहीं होगा, जब उस पर टच करोगे ना तो आपको बहुत दर्द मतलब कड़ा सा हो जाएगा और दर्द फील होगा, ठीक है। ये तो कुछ मतलब डॉक्टर के हिसाब से जो लक्षण थे वो है, अब मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ आपको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे सबसे पहले मेरी दो प्रेगनेंसी हुई थी, आपको पता ही है, तो दोनों प्रेगनेंसी का मैं बताती हूँ। सबसे पहले जब मेरा पीरियड मिस हुआ था, ये तो पता है पीरियड मिस हुआ था, आपको आपको अलग सा ही फील हो जाएगा कि भाई मेरा पीरियड मिस हुआ है। तो पीरियड मिस होने के बाद आप खुद सोचोगे कि अभी मुझे ध्यान, जैसे ही आपका पीरियड मिस हो आप एकदम बिल्कुल भी मतलब अलर्ट हो जाना, पीरियड मिस हो चाहे ना हो, अगर आपका पीरियड वाला डेट आने वाला है उस टाइम से भी आपको ये जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं आपको फील हो रहा है, फीवर आना, वोमिट होना, खाना नहीं पचना, बिल्कुल भी मूड चेंज होना, वीकनेस आना, वीकनेस तो सबसे मेन है, वीकनेस आना, ये सब चीज़ें अगर आपको हो रही हैं पीरियड आने के एक हफ्ते पहले भी हो रहा है, जैसे कि हमारा पीरियड आने में अभी 3-4 दिन बाकी है, एक हफ्ता बाकी है, तो भी अगर हो रहा है तो भी अलर्ट हो जाना प्लीज़ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा जो है फर्स्ट में मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मुझे बहुत लेट पता चला था, ठीक है। अब बहुत सारे, और पता है स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं ना वो बहुत केयरफुल होना पड़ता है, इसलिए क्योंकि मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जैसे ही आपको लगता है कि मतलब ये सब सिम्टम्स हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ आप अलर्ट हो जाना, आप चेक कर लेना। आप चेक कैसे करोगे, बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के। पहला तरीका तो घर पे ही कर सकते हो, प्रेगनेंसी किट मंगाकर, अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, ये सारे लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये सारे लक्षण हैं, तो आप जो है प्रेगनेंसी, बहुत सारे कंपनी के प्रेगनेंसी किट आते हैं, 100 तक में मिल जाएंगे, 150 तक में मिल जाएंगे, 150-100 तक जो है, आप मंगा के, अब आपका जो फर्स्ट दिन का जो फर्स्ट यूरिन है, अगर मॉर्निंग में आप उठे पहली बार जब आप यूरिन आप करते हो ना, उस यूरिन से आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में जो यूरिन होता है उससे आपको नहीं उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग का जब पीरियड प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो उसमें एसजीजी नामक हार्मोन्स होता है, उसी के जरिए हम लोग को पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो वो जो एसजीजी हार्मोन्स है वो फर्स्ट यूरिन में रहता है, ठीक है, तो वो आप उससे फर्स्ट यूरिन से आप चेक कर सकते हो। और जो दूसरा है चेक करने वाला है वो है ब्लड के
जो हमारा ब्लड है उसके थ्रू, ब्लड के थ्रू तो आप ऐसे नहीं चेक कर सकते बिना डॉक्टर के पास गए, ठीक है। तो आप पहले घर पे चेक कर लेना, घर पे चेक करने के बाद अगर दो लाइनिंग आती है रेड, डबल लाइनिंग रेड आती है, तो आप समझ लो आपको गुड न्यूज़ है, ठीक है। आप खुश हो जाना। और हाँ, अभी डॉक्टर बोलते हैं 3 मंथ तक आप किसी सभी लोगों को ये गुड न्यूज़ नहीं बता सकते हो, बट कुछ खास लोगों को आप शेयर कर सकते हो, जिससे आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है। लगता है आपको मुझे शेयर करना चाहिए, उससे आप शेयर कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी, तो आप इसको भी कंफर्म अभी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि कभी कभी रिजल्ट गलत आता है। आप तुरंत आप डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, उसके बाद आप कंफर्म समझो, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको लक्षण बताए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की हूँ कि आपको वीकनेस आए, वोमिट आए, खाना जो है हमारा उस टाइम गले तक हो, बिल्कुल चक्कर सा आना, ये सब जो लक्षण है, फीवर आना, ये सब जो लक्षण है ना, ये सब आपके प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं। और प्लीज़ जब फीवर आए या चक्कर वगैरह आए, तो ये सब बिना सोचे समझे कोई भी दवा मत लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम जो है बहुत स्ट्रांग दवा अभी आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ लक्षण थे जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा दूसरी वीडियो बना दूँगी। से तो आ जाना चाहिए आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर क्लोज करती हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगी। अभी के लिए बाय बाय।